तो आज है ना सैटरडे का दिन है, तो कल रात में इतना ज़ोर से बारिश हुआ था। बारिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा तूफान भी हो रहा था। तो जो कपड़े था ना, मैं इधर सुखाने के लिए दिया था, क्योंकि कल पूरा दिन में इतना ज़्यादा धूप नहीं था और कपड़े जो था वो नीचे गिर गया था। तो अभी मैं धो के उन दूसरे साइड में ना डाल दूँगी। गर्म पानी में थोड़ा ज़्यादा गर्म करके पीते हो, चाय जैसा पीते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके मैं गर्म पानी भी पीते हो। और मेरे को आज ना ड्रम स्टिक फिश के साथ बनाना है और भिंडी का भाजी बनाना है। तो भिंडी को ना मैं पानी में रख दिया था और अभी क्लीन करके रख दूँगी, तो इसका जो पानी है ना ये सूख जाएगा, तो काटने में मेरे को आसानी हो जाएगा। और बिहान मेरे साथ ही उठ गया था, तो इधर ना वो खड़े होके देखते रहता है जो क्या उसको खेलना है, क्या लेना है, यही सब देखता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिहान गैलेक्सी। तो वेस्ट बंगाल में ना दुर्गा पूजा का आज से स्टार्ट है, मतलब आज है षष्ठी। तो आप सबको ना नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा का बहुत सारी शुभकामना है। तो आप सब लोग शायद दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं 2 सालों से घर नहीं जा रही हूँ और कोई इंजॉय भी नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा दुर्गा पूजा मिस कर रही हूँ। शायद अगले साल जा सकती हूँ तो उस टाइम पर इंजॉय करूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। ड्रम स्टिक काटने के टाइम मैं बोटी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इससे मैं कंफर्टेबल भी होते हूँ और जल्दी हो भी जाता है। और बंगाली में ना इसको बोटी बोलते हैं, शायद दाव भी बोल सकते हैं। और बिहान इस टाइम पे खेल रहा था तो मैंने सोचा है ड्रम स्टिक पहले काट लेती हूँ, क्योंकि बिहान के सामने ना बोटी मैं यूज़ बहुत ही कम करती हूँ। और अभी ना मैं ओट्स बिहान के लिए बनाऊँगी, और मैंने पहले भी बोला है ना, तो बिहान को अभी मॉर्निंग टाइम मैं ओट्स ही दे रही हूँ। ड्रमस्टिक में मेरे को डालना है आलू टमाटर, इसमें प्याज लहसुन मेरे को नहीं डालना है। हम लोग एक्चुअली जो फ्रेश फिश होता है ना, तो उसमें प्याज लहसुन बहुत ही कम डालते हो। जो सी फिश ये सब होता है उसमें हम लोग प्याज लहसुन डाल के ज़्यादा बनाते हैं। तो ये फ्रेश एकदम फिश था, तो इसीलिए मैं इसमें प्याज लहसुन नहीं डालूँगी। पहले फ़िश को फ्राई करने के बाद उसी ऑयल में जीरा डाल के आलू को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो उसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, अदरक और टमाटर डाल के, टमाटर पूरा पक जाएगा, उसके बाद मैं ड्रम स्टिक डाल दूँगी। ग्रीन चिली मैंने ड्रम स्टिक के साथ ही डाल दिया है और ग्रीन चिली को काट दिया है बीच में। पेस्ट करके भी डाल सकते, बट मैं पेस्ट नहीं डाला है क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाता है। और रेड चिली पाउडर मैं डेली का खाने में बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। तो वरुण के लिए ना अभी चाय बना रही हूँ, तो एक साइड में मेरा सब्जी बन रहा था और एक साइड में राइस बन रहा था। तो मैं वरुण को बोला है थोड़ा लेट करने के लिए, बट वरुण बोल रहा है हाँ भी उसको चाय पीना है। तो मैं इंडक्शन में बना रहे थे, तो उस टाइम पर इतना मतलब गिरने जा रहा था ना, तो मैं इंडक्शन में ना चाय बनाना एकदम कम्फर्टेबल नहीं होती हूँ। तो मैं फिर बाद में गैस में चाय बना दिया है उसको। बिहान बोरुन खाना खा के रेडी हो चुका है। बिहान को ट्यूशन छोड़ने के बाद बोरुन ड्यूटी चला जाएगा, और बिहान आज जा रहा है, उसके बाद उसका 4 डेज का छुट्टी है। तो अभी इवनिंग टाइम है, बिहान को मैंने रेडी कर दिया है, क्योंकि जो टीचर है ना उनके घर के सामने एकदम भतकम्मा हो रहा है, तेलंगाना का फेस्टिवल भतकम्मा, तो उधर जाना है। तो हम लोग ना बिहान का जो टीचर है उनके घर के सामने जो भतकम्मा हो रहा था उधर चला आया था, क्योंकि इधर ना बहुत पहले से शुरू हो गया था। और रोड के मतलब मेरा घर के एक साइड में इधर भतकम्मा हो रहा है और दूसरे साइड में भी और एक भतकम्मा हो रहा है, वो मेरा घर के एकदम पास में है। तो अभी ये लोग जा रहा है भतकम्मा लेके, तो हम लोग भी घर में आ चुका था, तो इधर हम लोगों का जाना है क्योंकि मेरा घर के पास में ही है।
बतकम्मा को ना फ्लावर देके सजाते हैं और बीच में एक तुलसी का पौधा रखते हैं, उसके साइड में बतकम्मा रख देते हैं। तो बड़ा बतकम्मा भी होता है, छोटा बतकम्मा भी होता है। पहले सब लोग मिलके पूजा करते हैं, उसके बाद डांडिया लेके डांस करता है। और इसके साथ ना मैं जो रियल सॉन्ग है वो नहीं दे पाया हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आएगा, तो मैं दूसरा म्यूजिक डाल रहा हूँ। और मेरा चैनल में कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और बारिश हो रहा था तो बिहान को मैं घर लेके गया था, बट बिहान ना घर में नहीं रहना चाह रहे थे तो बिहान को टोपी पहना दिया है। अभी इस टाइम पे थोड़ा सा बारिश कम हो गया है, बिहान बहुत अच्छे से एंजॉय किया है।